नमस्कार स्टूडेंट्स आप सभी के लिए अभी अभी लिस्ट आउट हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जिसमें जो भर्तियां थी आपकी चौकीदार की सात थी और स्वीपर की एक तो उनकी लिस्ट आ गई है जिनका नाम इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुआ है सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए तभी आप इंटरव्यू पर जाइए पहले इस वीडियो को तसली से देखिए बिल्कुल आराम से अंत तक तभी आपको सारी जानकारी होगी मैं ए टू जेड बात बताऊंगा आपको तो ये चौकीदार की एलिजिबल लिस्ट है आप सभी के सामने मैं इसको ओपन कर रहा हूं अभी बिल्कुल पांच मिनट पहले ही नोटिफिकेशन आया है ये ये रही लिस्ट लगभग लगभग तिरसठ पेजों की है आप देख सकते हो ये वो हैं जिनके इंटरव्यू होने हैं सबसे पहले बता दूं मैं कोई आकाश है बंसीलाल का और डेट ऑफ बर्थ आपके सामने बीस सात दो हजार तीन कैटेगरी जनरल तो यह है तरीका इस लिस्ट को देखने का जिसमें चौकीदार की पोस्ट सात है तिरसठ लोग हैं भाई और मैं आपको नीचे ले चलता हूं लगभग लगभग दो हजार चौंतीस लोगों ने अप्लाई किया है दो हजार ठीक है चलो अब मैं आपको एक नई बात बता देता हूं आप देखोगे कैसे आपको देखने का तरीका मैं बता देता हूं जैसे कि मान के चलो यहां पर आकाश सन ऑफ श्री बंसीलाल एक नंबर है तो आपको क्या करना होगा और इसकी डेट ऑफ बर्थ बीस सात दो हजार तीन है तो यहां पे क्लिक करना है आपको जैसे बीस डॉट जीरो सात दो हजार तीन आ गया पहले नंबर पे बंसीलाल का बीस सात दो हजार तीन इस तरीके से आप देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ से और इस तरीके से आप आकाश के हिसाब से भी देख सकते हो ए के एस एच यानी कि अब आपके सामने एक ऑफ ट्वेल्व है ऊपर देखो तो उसमें आप आकाश वन आकाश टू देख सकते हो और आकाश दीप सिंह इस तरीके से ठीक है तो अपने पापा का नाम अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लें और अपना रोल नंबर लिख लें या इस पेज का प्रिंटआउट निकलवा लें क्योंकि वहां आपसे आपका रोल नंबर आपकी शर्ट में कितने बटन हैं कितनी सिंडिया चढ़कर आए हो कुछ भी पूछा जा सकता है ठीक है और किस गाड़ी में बैठ कर आए हो किस ऑटो से आए हो उसका नंबर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब इंटरव्यू हुए थे उनमें यही पूछा गया था क्यों चौकीदार की सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों को पहचानना और दूसरा नंबरों को याद करना गाड़ी नंबर याद करना ये चौकीदार के काम होते हैं ठीक है तो आई होप आप समझ गए होंगे और मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा चौकीदार के काम से रिलेटेड जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए बात तो ये तो रही चौकीदार की अब ले चलता हूं मैं आपको स्वीपर पे ठीक है आप नीचे देख सकते हो चौकीदार रिजेक्टेड लिस्ट जिन लोगों का नाम नहीं आया वो इस लिस्ट में देख सकते हैं रिजेक्टेड वाली लिस्ट में एक बार मैं ओपन करके दिखा देता हूं आपको चलो ये वो लिस्ट है जिनका नाम रिजेक्ट हुआ है ठीक है अब क्यों रिजेक्ट हुआ है मैं आपको बता देता हूं क्लास नोट ऑन द सर्टिफिकेट जिस सर्टिफिकेट को आपने लगाया उसमें क्लास नहीं लिखी हुई नो पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इज एडवर्टाइज ये जो लिखा हुआ है सिक्योरिटी गार्ड के लिए लिख दिया है जबकि ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए नहीं चौकीदार के लिए थी एट्थ फेल फोर्थ पास सेवंथ पास इसके लिए योग्यता थी आठवीं पास ठीक है तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं तो आप लोग देख सकते हो इसके बाद नेक्स्ट है स्वीपर स्वीपर एलिजिबल लिस्ट इसमें स्वीपर लोगों के नाम है जिन, जिनका सिलेक्शन हुआ है ठीक है अब मैं आपको ले चलता हूं देखो लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्वीपर पोस्ट कितनी थी मैंने आपको बताया एक एक पोस्ट के लिए केवल सात हैं देखो दीपक ललिता मदन लाल प्रमोद कुमार सचिन संदीप कुमार विक्रम सिंह ठीक है देख लो आप स्वीपर पोचा वाले के लिए कितनी बेरोजगारी है हरियाणा में बारहवीं बी एट टेंथ ट्वेल्थ टेंथ ट्वेल्थ ये सारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं शायद हैंडीकैप डिपार्टमेंट की थी ये लो विजन लो विजन ठीक है तो आप इनको देख सकते हो इसके बाद अब मैं बैक ले चलता हूं आपको ये सारी लिस्ट थी अब मैं आपको बता दूं चौदह तारीख से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हैं ए बी सी डी के चौदह से याद कर लीजिए ए बी सी डी चौदह फिर पंद्रह को ई एफ जी एच आई लिख लेना आप सोलह तारीख को जे के एल एम एन जिनके नाम के एल एम एन से शुरू होते हैं उनका सोलह तारीख को है अठारह को पी क्यू आर का उन्नीस को एस टी वी बीस को डब्ल्यू एक्स बाई जेड किसी को कोई डाउट हो तो मेरे पास कमेंट कर सकता है और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उनके पास मेरी हर अपडेट आती रहे और हाँ मैंने फतेहाबाद की जी के करा दी है आप फतेहाबाद की जी के जरूर करके जाएं और अभी मैं कुछ देर के बाद चौकीदार के काम क्या होते हैं वीडियो करा दूंगा आप उसको जरूर देख कर जाना चौकीदार और स्वीपर ये भी मैं करा दूंगा कि स्वीपर के काम क्या होते हैं हालांकि पता है स्वीपर का मतलब होता है सफाई वाला उसका हर काम सफाई से संबंधित होगा लेकिन चौकीदार का काम सबसे अलग होता है तो आप सभी कमेंट करें किसी का कोई डाउट हो तो एक दूसरी बात चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं उनको पता चल जाएगा कि उनका इंटरव्यू कब है मैंने आई होप सारी जानकारी आपको दे दी है तो किसी का कोई डाउट हो तो जरूर बताएं नमस्कार